फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप पर सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला लिया जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खम्भे बनाए, हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मड़ियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मड़ियों, पन्नों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नागबेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली की रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोरकर और पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब प्रकार मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नील मणि को दिकोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे शोभित हुए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमर बनाए जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। राजा जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर राजा इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात माता लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में माता सरस्वती और शेष जी भी सकचाते हैं। राजा जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर चिट्ठी दोबारा पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था।
भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख माना। तब राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था के हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं, भैया जिस दिन से मुनि उन्हें यहाँ से लिवा कर ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपकी समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश रूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु श्री शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, श्री शिवजी के धनुष को उठा भी न सके। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता है, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा लगाकर चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज, सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास श्री शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरकर वचन बोले और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बलि हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंख के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सुनकर सबको बहुत आनंद हुआ। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और ना है और ना कोई होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा? जिसके राम सरी के पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए।